नमस्कार दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार दिवाली से आने वाले पूर्व ये बता देता है कि दिवाली आपके पास है और दिवाली के ये त्यौहार पर आप 5 दिन के ये त्यौहार को खास मना सकते हैं। लेकिन आप धनतेरस के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं यदि आप करते हैं तो उससे आपको लॉस हो सकता है। हमने अक्सर देखा है कि धनतेरस के दिन पर हम लोग लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं और कुबेर भगवान की पूजा करते हैं और धनावर्ति की भी पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और धनावर्ति समुद्र मंथन के दौरान हमें मिले थे और समुद्र मंथन के दौरान ऐरावती हाथी भी हमें उपहार में मिला था। हम सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन पर कुबेर की पूजा की जाती है। लक्ष्मी माँ का मानना होता है कि यदि लक्ष्मी माँ को मनाना है या फिर लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले धनतेरस के दिन कुबेर भगवान को खुश कीजिए। यदि आप कुबेर भगवान को धनावर्ती को खुश करते हैं या फिर भगवान यम को खुश करते हैं तो वह आपके घर में ही प्रवेश कर सकती हैं। लक्ष्मी माँ को खुश करने का सबसे आसान तरीका होता है यदि आप धनतेरस के दिन पर फिजूल खर्चे ना करें। हमने अक्सर देखा है कि लोग खरीदारी करने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही बाजार में घुसते हैं तो वह अपने आसपास की जरूरतों को चीज़ों को ना देखकर वह आसपास के जो भी चीज़ें उन्हें पसंद आ रही है उन चीज़ों पर खर्चा करना शुरू कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको लॉस ना हो उसके लिए धनतेरस पर फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। आप सोना चांदी की कोई भी ज्वेलरी बनवा सकते हैं, चाहे अपनी बेटी के लिए या फिर अपने लिए आप ज्वेलरी बनवा सकते हैं। वह तो आपके उपयोगिक है या फिर आपके उपयोगिक जो चीज़ नहीं है उसे खरीदने का कोई फायदा नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा रहे तो आप वही कार्य करें जो जरूरी है। अगर वह चीज़ें आपके लिए जरूरी नहीं है तो आप उसे धनतेरस के दिन ना खरीद कर किसी और दिन भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन यम का भी दिन माना जाता है और माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे पहले यम को खुश करना होता है। यदि आप अपनी तिजोरी में कुबेर की वर्षा चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की भी आशीर्वाद या अनुकंपा चाहते हैं तो उसके लिए धनावर्ति को भी खुश रखना चाहिए। यदि आप धनतेरस के दिन धनावर्ति को खुश करते हैं और खुश करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और जो भी आपने कार्य किए हैं उनकी उनसे क्षमा मांगते हैं तो वह आपके कार्य में प्रॉफिट करते हैं और प्रॉफिट के साथ आपके धन में वृद्धि होती है। यदि आप अपने घर में शांति और समृद्धि को लाना चाहते हैं तो उसके लिए धनतेरस का खास दिन माना जाता है। यदि आप धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की पूजा करते हैं या फिर अपने घर में कुबेर भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं वह भी खास माना जाता है। यदि आप धनतेरस के दिन बाजार जा रहे हैं तो बाजार से वही चीज़ खरीदें जो ज़रूरी है, वरना फिजूल की कोई भी चीज़ ना खरीदें। और हो सके तो आप दिवाली के दिन अपने से छोटों को कोई भी उपहार दे सकते हैं। उपहार बहुत ही शुभ माना जाता है और अपने घर के सभी बड़ों का आदर सम्मान करना बिल्कुल ना भूलें। यदि अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हैं और आदर सम्मान के साथ उनके आशीर्वाद लेने के बाद उनको कोई ना कोई उपहार भी कोई चीज़ देते हैं तो वह भी खास मानी जाती है, क्योंकि धनतेरस के दिन यदि आप अपने से बड़े या अपने से छोटों के लिए कोई तोहफा लेकर आते हैं तो वह भी खुश हो जाते हैं और तोहफा देखने के बाद और आपके द्वारा दिया जाने वाला यह तोहफा उनके लिए खास होता है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने घर में शांति और सुख सुविधा के लिए सबसे अच्छा धनतेरस का दिन माना जाता है। आप धनतेरस के दिन पे बेफिजूल का किसी पर गुस्सा ना करें। यदि आप किसी पर क्रोध करते हैं तो वह भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है, तो आप इस धनतेरस पर किसी पे भी गुस्सा ना करें। आप अपनी खुशी से इस त्योहार को सेलिब्रेट करें, दिवाली आपके लिए खास हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।